देना चाहती हूं। क्या शेर की तरह लड़ी है, शाबाश। और मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान क्या है? अब एक साथ शेर तो है ना, लेकिन अब एक साथ छोटी सी शेरनी भी आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अब शेरनियों की भी जमात है, शेरनियों ने भी कमाल करके दिखाया, शाबाश। हर उस वोटर को, हर उस खातून को, हर उस बेटे को जिसने जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का मुकदमा लड़ा। और आज आज जब मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में अपना मुकदमा लेकर गई, इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात कह दी कि हमारे 20 अफसरान अगवा हो गए थे। और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे रابطہ करना चाह रहा था तो ना उनके फोन ऑन थे और ना ही उनका पता चला। भाई मुझे बताओ, क्या धुंध में फोन भी बंद हो जाते हैं? ये कौन सी साइंस ने तरक्की की है जिसमें धुंध में इंसान के फोन भी बंद हो जाते हैं? और अब जब मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही है कि हमें सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन का नहीं, हमें पूरे दस्ते का दोबारा से रीपोलिंग यानी कि पूरे दस्ते का इंतखाब हमें दोबारा चाहिए, तो इमरान खान बड़ा सियाना बन के कहता है चोरी जो की हुई है, चोरी तो की हुई है और नंगे हाथों पकड़ा भी गया है, तो बड़ा सियाना बन के कहता है चलो कोई बात नहीं, 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन करा लो। वो पता है ना कि जब आप लोग तो ज्यादा बेहतर जानते हो, गांव में जब चोर भागता जाता है, चोर पकड़ा जाता है तो कहता है ओहो आपको मैं पकड़ा गया, ऐसा करो ये माल मैंने चोरी किए ये वापस ले लो, मुझे सजा ना दो। तो इमरान खान जब चोरी पकड़ी गई और रंगे हाथों पकड़ी गई तो कहता है 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन करा लो, लेकिन मजीद में मुझे बेनकाब ना करो। तो क्या पागल समझ रखा है मुस्लिम लीग नून को, दस्ता की आवाम को और वजीराबाद की आवाम को पागल समझ रखा है? अब इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होगा तो पूरे हल्के में दोबारा होगा। और ये भी मैं बता दूं, जिसको तुम कहते थे ना कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसके एक हल्के में दस्ता